साथियों, बीते वर्षों में हमारा देश कुछ परसीव्ड बैरियर्स से भी बाहर निकला है। एक समस्या हमारे यहां पॉलिसी मेकर्स, हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के दिमाग में भी थी। वो ये मानते थे कि गुड इकोनॉमिक्स गुड पॉलिटिक्स हो ही नहीं सकती। अनेक सरकारों ने भी इसे ही मान लिया और इसके कारण देश को राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही मोर्चों पर मुश्किलें बढ़ने लगी। लेकिन हमने गुड इकोनॉमिक्स और गुड पॉलिटिक्स को एक साथ लाकर के दिखाया है। आज सब ये स्वीकार कर रहे हैं कि गुड इकोनॉमिक गुड पॉलिटिक्स भी है। हमारी बेहतर आर्थिक नीतियों ने देश में तरक्की के नए रास्ते खोले हैं। इससे समाज के हर वर्ग का जीवन बदला और इन्हीं लोगों ने हमें इतना बड़ा बहुमत देने के लिए स्थिर सरकार के लिए वोट दिया। चाहे जीएसटी हो, चाहे बैंकिंग क्राइसिस का समाधान हो, चाहे कोविड संकट से निकलने के लिए बनाई गई नीतियां हो, हमने हमेशा उन नीतियों को चुना जो देश को लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन दे और सिटीजन्स को लॉन्ग टर्म फायदे की गारंटी दे। साथियों, परसीव्ड बैरियर्स का एक और उदाहरण है महिला आरक्षण बिल। दशकों तक लटकने के बाद ऐसा लगने लगा था कि बिल कभी पास नहीं होगा, लेकिन अब यह बाधा भी हमने पार कर ली है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम आज एक सच्चाई है।